जय श्री राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम जिस जगह है वो है कंस टीला, यानी कि कंस का किला। ये एक प्राचीन जगह है, जो कंस मामा का किला है वो यहाँ ऊपर है। ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं और यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, आपको कंस का किला दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कंस का किला एक पौराणिक जगह है। कंस का जो पुराना महल था वो यहीं पे है। आगे ऊपर जाकर थोड़ा नीचे उड़ने के बाद यहाँ पे एक गुफा है, उसके साथ साथ यहाँ पे रानियों का और दासियों का एक पूरी बावड़ी है। उसके साथ साथ यहाँ पर उसका एक दरबार भी लगता था, कचहरी जिसको बोलते हैं, वो कचहरी भी है। तो आइए आगे चलते हैं और मैं आज आपको कंस का किला दिखाता हूँ। कंस का किला मथुरा में है। मथुरा में आप गूगल कर सकते हैं कंस का किला, आप वहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक बाबा जी मिले हैं। बाबा जी जय श्री राम, राधे राधे। आपका शुभ नाम? राजू महंत। राजू महंत, आप यहीं पे मंदिर में रहते हैं? चिंतारण महादेव के मंदिर। ये चिंतारण महादेव मंदिर है, इसमें रहते हैं? इसमें रहते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कंस का किला सच में ही है, लोग ऐसे ही बोलते हैं? कंस का किला है ये, सच में कंस का किला? कंस का किला। तो यहाँ ये हमने सुना कि दब गया था, यानी कि ये पहले मिट्टी में दब गया था, तो ये बात सच है? मिट्टी में दबा हुआ है सब, मिट्टी अभी भी? अब भी मिट्टी है। अच्छा, आप इसके बारे में कुछ और जानकारी दे सकते हैं, कुछ आपको पता? बहुत पुराना हो गया साहब, काफी पुराना हो चुका, काफी पुराना हो गया। चलिए हम अंदर देख के देखते थे क्या क्या है इसके अंदर। जैसे ही आप ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ेंगे, तो सीढ़ियों पे चढ़ने से पहले आपको ये चिंतारण महादेव का मंदिर दिखेगा। ये पूरा मंदिर है यहाँ पर, और ये सीढ़ियां जाती हैं ऊपर कंस के किले की तरफ। यहाँ से आपको यमुना जी का बहुत अच्छा व्यू आएगा। ये देखे सुबह सुबह का नजारा है यहाँ का, और बहुत बढ़िया यहाँ पे फीलिंग आ रही है। देखिए दोस्तों, जैसे ही कंस के किले के ऊपर आप आएंगे, तो कंस के किले के ऊपर आते ही सबसे पहले आपको यहाँ पे काल भैरव जी का एक मंदिर दिखेगा। ये है यहाँ पे काल भैरव, लिखा हुआ है कंस किला कुशक गली मथुरा। ये यहाँ पे सबसे पहले आपको काल भैरव जी के दर्शन होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है काल भैरव जी के दर्शन। इसके साथ साथ आपको एक प्राचीन पेड़ भी यहाँ देखने को मिलेगा, ये देखिए। और ये है कंस किला, यानी कि इसको काफी लोग कंस टीला भी बोलते हैं। दोस्तों, कंस किला में ऊपर आने के बाद आपको ये तलवार नुमा यहाँ पर आकृति दिखेगी। ये 5500 वर्ष पुरानी आकृति है, की ओर की दीवार है, यानी कि ऊपरी दीवार है। यहाँ पे आपको ये जो ईंटें वगैरह दिखाई दे रही हैं, और ये कुछ लोगों ने बताया कि बाद में कंस्ट्रक्शन हुआ है, लेकिन हमें ये कंस्ट्रक्शन नया ही लग रहा है। आगे चलते हैं, इसके साथ साथ ही लगते हुए यहाँ पे ये पूरा एरिया है जो कंस किला का है। यहाँ पे काफी बंदर है, बंदरों से आप सावधान रहिएगा, क्योंकि बंदर आपका चश्मा, आपकी घड़ी, आपका मोबाइल पर्स, कुछ भी आपसे छीन सकते हैं। तो यहाँ पे भी यही आकृति आपको देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको प्राचीन पत्थर भी देखने को मिलेंगे। ये देखिए, नक्काशी का बहुत ही एक अच्छा उदाहरण है ये वाला। ये देखिए, दिखा रहा हूँ, नजदीक ला के दिखाइए। यहाँ पे एक पत्थर है, इस पे देखिए कितनी अच्छी नक्काशी हुई है। इस पे शायद किसी भगवान की मूर्ति और कुछ पिलर के जैसा कुछ बनाया गया है। तो ये कंस किला में ये पुराने अवशेष हैं आज की तारीख में, वो देखने को मिलते हैं। ऊपर दीवार का एक ये भी पत्थर पड़ा हुआ है, ये वाला पत्थर भी ये दीवार का है, जो कंस किला के ऊपर की ओर की दीवार थी, जो साइडों में पत्थर लगा हुआ है। मैं इस पत्थर को आपको आगे दिखाऊंगा ये कहाँ पे लगा हुआ है। तो ये भी कंस किला में ही पड़ा हुआ है। ये अवशेष है कंस किला के, जो अपनी कहानी बयां कर रहे हैं, जो इतिहास को दोहरा रहे हैं कि हाँ, मैं कंस किला हूँ। तो दोस्तों, काल भैरव के सामने से ही हम गुजरेंगे, यहाँ से सामने ही। और यहाँ पर कुछ और पत्थर भी पड़े हुए हैं, देखिए काफी पुराने पुराने पत्थर यहाँ पे आपको मिलेंगे देखने के लिए। ये देखें, यहाँ पर ये काफी पुराने पत्थर हैं और काफी मोटे हैं। अब ये देखिए, ये सोचने वाली ये बात है कि इतना मोटा कंस्ट्रक्शन, इतने भारी भारी पत्थर, उस समय कोई ढलाई के लिए कोई यंत्र भी नहीं होते थे। आज तो आधुनिक समय है, यहाँ पर काफी सारी मशीनें आ गई हैं, क्रेन वगैरह आ गई हैं, लेकिन उस समय में भारी भारी पत्थरों को कैसे उठाया जाता होगा, और कितना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर देने की उस टाइम भी सोच थी सभी लोगों की। तो ये कंस किला के अंदर ये पुराने पत्थर भी यहाँ पे आपको देखने के मिलेंगे। जब भी आप आएंगे तो आपको यहाँ पे ये पुराने वाले पत्थर भी देखने को मिलेंगे। और ये यहाँ से यहाँ पर इस कंस किला का मेन गेट आ गया है। अभी हम आपको मेन गेट से लिए चलते हैं, आइए। तो यहाँ से हम अंदर पर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की दो तीन सीढ़ियाँ दिखेंगी,
यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं, ये देखिए यहाँ पर। और जैसे हम अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे आपको ये पूरा मैदान और यहाँ पर कुछ कमरे वगैरह आपको दिखेंगे। ये रिकंस्ट्रक्शन हुआ है इन कमरों का, ये जो दो कमरे आपको दिख रहे हैं, एक ये कमरा है, इन कमरों का रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, ये बाद में बने हैं, लेकिन कंस का किला जो है वो आगे है। ये आप जो देख पा रहे हैं पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पूरी जो जमीन है ये कंस किला की है। तो यहाँ पे आप कंस किला के अंदर जब भी आएंगे तो ये आपको पूरा एक मैदान दिखेगा। मैंने आपको बताया था कि दीवारों के जो पत्थर हैं वो आपको अंदर भी देखने को मिलेंगे। ये देखिए जो बाहर पत्थर मिला था हमें, ये उसका ही एक उदाहरण है। ये पूरा ये देखिए, ये वही पत्थर है, इतना ही मोटा है, इस दीवार के अंदर लगा हुआ। ऐसे बहुत सारे पत्थर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो कंस किला के अंदर है। अभी मैं आपको एक मैदान दिखाता हूँ, आइए। ये जो यहाँ पे आपको मैदान दिख रहा है, ये मैदान कंस के किले का है। यहाँ पे सुनने में ये आया है कि यहाँ पर जो सैनिक लोग हुआ करते थे वो यहाँ पर अपनी परेड वगैरह किया करते थे। जब भी कोई युद्ध होता था तो युद्ध का अभ्यास इसी किले के अंदर यहाँ पे इसी जगह पे किया जाता था। फिलहाल आपको यहाँ मोटे मोटे बंदर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये कंस किले का मैदान है जहाँ पर पुराने समय में आपको यहाँ पर सैनिकों का अभ्यास देखने को मिलता। लेकिन हम उस समय में नहीं है, हम आज 2023 में हैं। 5500 वर्ष पुरानी बात थी तो आज हम इसे आपको 2023 में दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे काफी मोटी मोटी पत्थरों से बनी हुई दीवारें। ये देखिए काफी मोटे मोटे पत्थर हैं, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाले काफी मोटे मोटे और हैवी पत्थर हैं। यहाँ पे आपको साथ में लगता हुआ एक ध्वज के लिए, यहाँ पर एक ध्वज पताका फहराने के लिए आपको एक यहाँ स्थान दिखेगा। ये गोलाई के अंदर है, ये बिल्कुल एक गोलाई के अंदर है। इस पे पहले समय में ध्वज फहराया जाता था और ये आज के समय में भी यहाँ उपलब्ध है। अभी मैं आपको आगे भी और दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको चारों तरफ काफी मोटा मोटा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो ऊपर की साइड में आपको 2-3-4 पत्थर दिखाई दे रहे हैं बाहर निकले हुए, कंस मामा के समय के हैं। ये यहाँ पे एक और अवशेष मिला, ये देखिए। कंस किला ना मिट्टी के अंदर दबा हुआ था, तो मिट्टी के अंदर दबा होने की वजह से यहाँ पर काफी मिट्टी ऊपर तक जमा हो गई थी, तो ये लगभग पूरा का पूरा जमीन के अंदर धस गया था, लेकिन बाद में ये बाहर निकला है। अभी इस पत्थर को आप देखिए, यह काफी बड़ा पत्थर है और एक बार मैं इसको उठाने की कोशिश करूंगा, शायद मैं इसको उठा भी ना पाऊं। हिल तो रहा है लेकिन उठ नहीं रहा है, ये बहुत काफी मोटा पत्थर है। और यहाँ पे मैं आपको ये पत्थर दिखाऊंगा, ये भी उसी समय के हैं। ये जो पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले पत्थर, ये और ये वाला, ये जो दो पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 5500 वर्ष पुराने हैं, श्री कृष्ण जी के समय के हैं, जब श्री कृष्ण जी यहाँ पर 11 साल 52 दिन के बाद मथुरा आए थे। किले में यहीं पे एक और जगह है, तो वहाँ पे उन्होंने एक कंस का अखाड़ा के नाम से जगह है, इसकी वीडियो हमने आपको यूट्यूब पे पहले ही डाल रखी, आप हमारे चैनल पर कंस मामा का अखाड़ा भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं जो अखाड़े की वीडियो है, जहां पर बलराम और श्री कृष्ण जी ने कंस मामा को मारा था, तो उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर ये आपको एक और इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे आपको काफी बड़ी बड़ी और काफी छोटी छोटी ईंटों के अवशेष भी मिलेंगे, ये क्योंकि कई आक्रमणकारियों ने इस किले को तोड़ा है। इस किले को तोड़ने के बाद कई बार इसका पुनर्निर्माण भी हुआ है, तो पुनर्निर्माण होने के साथ साथ यहाँ पे आपको कुछ छोटी ईंटें और कुछ बड़ी ईंटों का भी यहाँ पे आपको कुछ अवशेष देखने को मिलेंगे, और ये कंस किले के मैदान में पड़े हुए हैं। अभी मैं आपको एक चीज और आगे दिखाता हूँ। यहाँ इस जगह पर लगभग ये सरकार के गवर्नमेंट के अंदर है, और सरकार ने यहाँ पर इसका रखरखाव के लिए यहाँ पे 2-4 बंदे भी छोड़े हुए हैं, 2-4 व्यक्ति यहाँ पे इसका जो देख रेख है वो करते हैं। अभी मैं आपको ये पत्थर और दिखाता हूँ, ये देखिए कितनी बारीकी के साथ कारीगरी की गई है। ये देखिए यहाँ पर बहुत ही बारीकी के साथ इन पत्थरों के साथ कारीगरी की गई है। उस समय में इस कलाकारी को मतलब सीखने के लिए और इस कलाकारी को करने के लिए आधुनिक, उस समय के आधुनिक, आज के तो नहीं कहेंगे, उस समय के आधुनिक औजारों का इस्तेमाल हुआ होगा, क्योंकि ये काफी बढ़िया शेप में है, देखिए कितनी अच्छी कलाकारी के साथ दी हुई है। अभी मैं आपको कंस का सिंहासन भी दिखाता हूँ, आइए। तो दोस्तों यहाँ पर हम इससे ऊपर की ओर आ गए हैं, ये एरिया है और यहाँ पे एक कंस का सिंहासन है। हमारे सुनने में यह आया था, लोगों ने हमें यहाँ पे ये बताया था कि ये जो जगह है यहाँ पर वो कंस मामा अपने सैनिकों को निर्देश दिया करते थे और यहाँ पर उनका सिंहासन लगा करता था। यहाँ पर दो जवान खड़े हुआ करते थे, एक उनका प्रहरी यहाँ खड़ा होता था, कुछ सैनिक यहाँ खड़े होते थे। ये जो ऊपर वाली जगह है, नीचे वाली,
यहाँ ऊपर की ओर उनका सैनिक जो सभापति और जो मेन अधिकारी होते थे, उस समय के अधिकारी कहेंगे हम तो, उस समय के सेनापति और जो वहाँ के सभासद होते थे वे ऊपर बैठते थे। कंस मामा यहाँ सबसे ऊपर बैठते थे। तो यहाँ पर एक ध्वजा, यहाँ पे इससे एक ध्वजा निकलती थी ऊपर, और इसके साथ साथ एक सिंहासन यहाँ पे लगता था। यहाँ से वो निर्देश दिया करते थे अपने सैनिकों को कि आपको हमारे राज्य में किस पर आक्रमण करना है, क्या हमारी रणनीति है और किससे किस तरह से हमें काम करना है। तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी जब भी आप कंस किला के अंदर आएंगे। तो ये जगह कंस किला में है, ये था कंस मामा का सिंहासन। इससे आगे अब हम आपको एक कुआं दिखाते हैं। इसी पूरे महल के अंदर जहाँ जो पानी का स्रोत था, वो पानी का स्रोत इस कुएं से था। लगभग 5500 वर्ष पुराना कुआं है और ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, छोटी ईंटों से बना हुआ है। ये देखिए, ये छोटी ईंटों से बना हुआ है और ये कंस के किले में है। और ये यहाँ पर ऊपर देखिए, ये एक आकृति बनी हुई है। इसको कुछ बोलते थे कि यहाँ पे ये उठा करके इससे पानी निकलता था। वो कंस के किले का जो कुआं है, मैं आपको उसको नजदीक से भी दिखा देता हूँ। ये है वो जगह जो कंस मामा के किले के अंदर, महल के अंदर पानी का स्रोत था। तो ये है वो पानी का स्रोत, ये देखिए, ये है कंस मामा का कुआं। अभी यहाँ पे ये खाली पड़ा है, सूख गया है कुआं जो उनके महल या उनके किले में होता था। सामने आपको एक दर्शन देखने को मिलेगा, ये देखिए यहाँ पर जमुना जी के दर्शन है पूरे। आगे बोटिंग वगैरह भी होती है और वो सामने वहाँ घाट वगैरह है। आपको वीडियो में शायद दूर तक का दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर कंस किला के साथ साथ आपको पूरे मथुरा का दर्शन भी देखने को मिलेगा। ये जो कलाकारी आपको देखने को मिल रही है, यहाँ से जो उस समय के सैनिक हुआ करते थे, तो यहाँ पर वो बंदूक वगैरह रख के आक्रमणकारियों से बचाव के लिए इस जगह को इस्तेमाल किया करते थे कि ताकि कोई आक्रमणकारी या कोई दुश्मन हमला ना कर दे, तो यहाँ पे सैनिक खड़े हुआ करते थे। उसी तरीके की ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये डिजाइनिंग यहाँ पे की हुई है और ये पूरी कंस किला के अंदर ही है। यहाँ पर एक जगह ये भी है, यहाँ पे काफी सारे जो सैनिक होते थे उस समय में, मैं यहाँ पर भी खड़े होते थे। ये एक मोड़ है और दिखाई दे रहा है, चबूतरा टाइप कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ये पूरा कंस किला है। अभी मैं आपको 5500 वर्ष पुराने पत्थरों का नमूना दिखाता हूँ। आइए, कुछ पत्थर पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में ले लिए हैं, सरकार ने भी अपने संरक्षण में ले लिए हैं। ये जो पत्थर हैं जिनकी फोरेंसिक जाँच की गई थी, तो उसमें पाया गया कि इन पत्थरों की आयु 5000 से लेकर के 6000 वर्ष के बीच है। ये दो पत्थर यहाँ पर इस तरह के ये हैं और इसी से जुड़े हुए पत्थर आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे, ये वाले। और यहाँ पे एक ध्वजा का एक झंडा लगाने के लिए एक डंडा लगाया हुआ है। और ये पत्थर देखिए आप, ये भी उन्हीं उसी, ये एक पिलर का पत्थर है, ये भी एक उसी 5000 से 5500 वर्ष पुराना पत्थर है। भी ये किसी पिलर में इस्तेमाल हुआ होगा। कंस का किला आज की तारीख में काफ़ी फेमस जगह है यहाँ पर, और इसके साथ साथ आपको यहाँ कंस किला में और भी कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि हम आपको वन बाय वन करके दिखाएंगे। इसके साथ साथ आपको ये दो पत्थर भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये भी उन्हीं पत्थरों से जुड़े हुए हैं, यानी कि उन्हीं के अवशेष हैं जो मैंने आपको पिछली दो पत्थर चार पत्थर और दिखाए थे। ये जो पत्थर हैं ये भी 5500 वर्ष पुराने पत्थर हैं, श्री कृष्ण जी के समय के पत्थर हैं। क्योंकि लाल पत्थर का जो निर्माण होता था उस समय में, वो काफ़ी मजबूती से होता था, क्योंकि लाल पत्थर काफ़ी मजबूत होता है और काफ़ी मजबूत होने के साथ साथ ये टूटता नहीं है और काफ़ी मोटाई भी इसकी होती है। तो ये लाल पत्थर से बना हमारा दिल्ली का लाल किला और आगरा का लाल किला, ये भी लाल पत्थर से ही बना हुआ है और वो आज तक ऐसा का ऐसा ही आपको देखने को मिला। काफ़ी मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इसका। ऐसे आपको कुछ नवनिर्माण भी देखने को मिलेगा। ये आपको कुछ यहाँ पे नवनिर्माण हुआ है, ये जो आप जगह देख पा रहे हैं, ये वाली जगह, ये नवनिर्माण हुआ है। कंस के किले की जो ये वाला एरिया है, ये पुराना है, ये काफ़ी मिट्टी में धंसा हुआ था, लेकिन मिट्टी में धंसे होने के बाद इसको निकाला गया। ये थोड़ा खुदाई के साथ साथ सामने आता रहा कि हाँ, सभी लोगों के सामने आया कि कंस मामा की नगरी मथुरा में ये जगह कंस का किला के नाम से है। सूर्य देवता यहाँ पे प्रकट हो चुके हैं और यहाँ पे ये देखिए आप, काफ़ी दूर दूर तक का आपको व्यू आ रहा है, कितने अच्छे दर्शन हो रहे हैं। और ये नीचे जगह है कंस के किले से ऊपर से नीचे की जगह। यहाँ पर आपको सामने जो देवकी की जो संतानें थी उनको पटक कर मार दिया गया था, जो कि लड़की पैदा होती थी उस समय, तो वो पेड़ है जो नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ। और उस पेड़ के जो साइड में जो उसका एक अनावरण बना हुआ है, उस पर उस लड़कियों को मार दिया जाता था। ये कुछ इसका नीचे का व्यू है। वो सामने आपको कंस की कचहरी, कंस का दरबार देखने को मिल रहा है। अभी नीचे चलते हैं, आपको वो भी दिखाते हैं।
तो आपको फिलहाल कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, ये भी कंस किले का ही है। आइए मैं आपको इसको और नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर काफ़ी पुराने अवशेष हैं और ये शायद छत टूटी हुई है यहाँ की। यहाँ पर कुछ ग्रीनरी वगैरह उग गई है छत के ऊपर। और ये जो नीचे कमरे हैं, ये कंस के किले से ही जुड़े हुए कमरे। तो दोस्तों, जैसे हम यहाँ से नीचे उतरेंगे तो आपको यहाँ पर भी कुछ पुरानी कलाकारी का नमूना देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ हम जब आगे चलेंगे तो यहाँ पर कुछ गेट आपको दिखाई देंगे। ये जो दरबार है या जो गेट है, ये गेट काफ़ी मिट्टी में दबे होने की वजह से ये गेट नीचे पड़ गए हैं। यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा, आइए दिखाइए। तो यहाँ पर जैसे आप नीचे उतरेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ कमरे दिखेंगे। ये देखिए, इन जगहों पर फिलहाल स्वयंसेवक संघ के छात्र रहते हैं। और ये पूरा जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये बावड़ी जैसा कुछ लग रहा है। तो ये है पूरा एक कंस के किले का एक इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको देखिए कितनी मोटी मोटी दीवारें आपको देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर भी काफ़ी मोटे मोटे पत्थरों से बनी हुई है। आप जो ऊपर पत्थर देख रहे हैं, ये ऊपर दिखाइए, ये जो ऊपर आप पत्थर देख रहे हैं लाल नक्काशी के साथ, ये देखिए एक पत्थर टूटा हुआ भी, शायद हमारे ऊपर ना गिर जाए। तो ये पुरानी कंस्ट्रक्शन का नमूना है। यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा, ये सारे पुराने पत्थर आपको ऊपर की ओर देखने को मिलेंगे। और ये एक बावड़ी टाइप कहूँगा मैं तो इसको, या एक इसको क्या बोलेंगे, ये क्या जगह है, एक बार कमेंट करके आप बताइएगा कि इस टाइप की जगह को क्या बोलते हैं। मुझे तो खुला एक मतलब गैलरी टाइप कुछ लग रहा है। और ये यहाँ पर आपको सारे चारों तरफ आपको स्वयंसेवक संघ के छात्रों के कमरे मिलेंगे। यहाँ पर कुछ स्नानागार भी आपको देखने को मिलेगा, ये स्नानागार है। तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ, आइए। आगे जाने के बाद इस वाले रास्ते से आपको नीचे उतरना होगा। यहाँ पे शायद अंधेरे वगैरह की दिक्कत होगी कुछ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद शायद आपको डर लग रहा होगा कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ, किसी अंधेरे वाले कमरे में। लेकिन ये वो जगह है जहाँ पर देवकी जी को जो संतान की प्राप्ति हुई थी श्री कृष्ण जी, तो वो उसको गोकुल लेकर गए थे। ये वही प्राचीन गुफा है। मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, आइए। यहाँ से आप जब नीचे आएंगे, यहाँ पे ये वाला गेट दिखाना बेटा, ये वाला गेट आप जो देख पा रहे हैं ये बंद है। बंद होने का कारण है क्योंकि यहाँ से गुफा निकलती थी जो सीधा आपको इस किले से बाहर ले जाती थी। ये जो जगह आप देख पा रहे हैं, इससे नीचे चलते हैं। आइए, थोड़ा संभल कर आइएगा, जब भी आप आएँ तो यहाँ पे थोड़ा संभल कर आइएगा क्योंकि यहाँ पे अंधेरा रहता है। दोस्तों, यहाँ से नीचे उतरने के बाद आपको यहाँ पर देखें कितना मोटा पत्थर की दीवार देखने को मिलेगी। ये देखिए, काफ़ी मोटे मोटे पत्थरों से बनी हुई दीवार है ये। और ये वो रास्ता है जो श्री कृष्ण जी को वासुदेव जी लेकर के गए थे गोकुल, वो इसी रास्ते से लेकर के गए थे, यही वो रास्ता है। इसके साथ साथ आपको नीचे उतरने के साथ साथ आपको कंस का किला यहाँ से आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ पर देवकी जी और वासुदेव जी की लू वाली संतानों को कंस मामा ने पटक कर मार दिया था। उनमें सबसे आखिरी संतान ने ऊपर बिजली में परिवर्तित होकर के बोला था कि कंस तू ध्यान से सुन, तुझे मौत के घाट उतारने वाला पैदा हो चुका है और देवकी का जो आठवां पुत्र होगा वो तेरी मौत का कारण बनेगा। तो ये वही जगह है। यहाँ पर एक पुराना बरगद का पेड़ भी आपको देखने को मिलेगा, शायद ये वट वृक्ष है, ये बरगद का पेड़ है यहाँ पर। तो ये एक पुरानी जगह है। तो आगे आगे चलते हैं। अब मैं आपको कंस की दासियों का महल दिखाता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि वो कंस की रानियों का महल है, लेकिन नहीं, मैं आपको कंस मामा की दासियों का महल दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी ये स्कूल के रूप में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर आपको स्कूल का कुछ दिखेगा, कंस्ट्रक्शन ये देखिए, यहाँ पर आपको स्कूल दिखेगा। लेकिन ये वो जगह है, ये जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये कंस की दासियों का महल होता था। यहाँ पर कंस की दासियाँ रहा करती थी, जो महल के अंदर या किले के अंदर काम करती थी वे दासियाँ यहीं पर रहा करती थी। इसे मैं आपको एक बार अंदर से दिखा देता हूँ, आज के समय में 2024 में ये कैसा है। तो ये देखें, यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन था कुछ यहाँ पर उस समय का। और ऊपर देखिए, टूट चुका है, काफ़ी जर्जर हालत में है ये, लेकिन आज के समय में भी ये अपना इतिहास दोहरा रहा है। ये कंस की दासियों की बावड़ी, कमरा, रूम, स्टोर रूम, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, जो भी आप अपनी भाषा में समझते हैं, ये वो था।
यहाँ पर आपको एक पुरानी चारपाई भी देखने को मिलेगी। ये देखिए काफी पुरानी लग रही है देखने में, छोटी ईंटों का निर्माण हुआ है इसमें। ये देखिए काफी टूट गया है, यहाँ से भी आपको कुछ टूटा हुआ दिखाई दे रहा होगा। और ये आपको छोटी ईंटों का निर्माण देखने को मिलेगा। ज़्यादातर इसके अंदर लोग घबराते हैं आने के लिए, लेकिन आपको अंदर से दिखाना था तो हमने इसके लिए उसके लिए आपको इसके अंदर आने के बाद हमने आपको ये भी दिखाया है। तो ये आज की डेट में एक स्टोर रूम की तरह है, लेकिन ये काफ़ी पुराना हो गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको ये कंस की कचहरी मिलेगी। कंस की कचहरी के बारे में मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग कहते हैं कि ये कंस की कचहरी यहाँ पर लगा करती थी लोगों को दंड देने के लिए, जो उस समय दंड का प्रावधान था या सजा का प्रावधान था उसको देने के लिए ये कचहरी लगा करती थी और इसी कचहरी में फैसले सुनाए जाते थे। तो आइए इसे एक बार नज़दीक से भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जगह है कंस की कचहरी, यानी कि कंस की कचहरी से मतलब सभा या उस टाइम का कोर्ट कह लीजिए या कचहरी कह लीजिए, वो यहाँ पर लगा करता था और इस जगह कंस मामा कचहरी में अपने फैसले सुनाते थे। कई सारी जो श्री कृष्ण जी के खिलाफ योजनाएं थी, उनको मारने की योजनाएं भी वो यहीं पे बनाया करते थे। तो ये है कंस की कचहरी, आइए मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ। कंस की कचहरी में अंदर आने के बाद आपको ये निर्माण दिखेगा, काफ़ी मोटे मोटे पिलर हैं। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी मोटे मोटे पिलर आपको देखने को मिले, लाल पत्थर से बना हुआ है जो पिलर है, ऊपर तक काफ़ी मजबूत है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी मजबूती दोहरा रहा है। और ये देखिए कितना मोटा लाल पत्थर से बना हुआ है, काफ़ी मजबूत है। इसके साथ साथ ये यहाँ पे एक छोटी जगह है, यहाँ पर भी आपको ये पिलर देखने को मिलेगा, लेकिन ये पिलर आज की डेट में थोड़ा ढक गया है, ये दीवार के अंदर आ गया, लेकिन ये भी काफ़ी मजबूत है उसी के तरह। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये कुछ यहाँ पे टूटा हुआ है और ये कंस्ट्रक्शन अभी पुराना होने की वजह से ये टूट गया है, लेकिन ये अपना इतिहास आज भी दोहरा है। कुछ लकड़ी की भी यहाँ पर ब्रांडिंग की हुई है। और ये है कंस का किला, ये कंस की कचहरी हुआ करती थी। अभी आज के समय में यहाँ पर कुछ दिन स्कूल भी चला है, प्राइमरी स्कूल में यहाँ पे बच्चों को भी पढ़ाया गया है। ये देखें यहाँ पे ककैया ईंट या छोटी ईंट से बनी हुई भी एक आपको जगह दिखाई देगी, ये सब छोटी ईंटों से बनी हुई है। और ये यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे इसको स्कूल के अंदर परिवर्तित कर दिया गया था, इसको स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो स्कूल में कन्वर्ट होने की वजह से यहाँ पे कुछ दिन क्लासेस भी चली हैं छोटे बच्चों की, प्राइमरी स्कूल वालों की। आइए अगला कमरा देखते हैं। तो दोस्तों ये सामने एक जगह है, ये बताया जाता है कि ये पहले बंदीगृह था, जो कंस मामा की कचहरी में बंदियों को लाया जाता था तो पहले इस जगह पर रखा जाता था या खड़ा किया जाता था। हमें ये भी बताया गया कि ये जगह पहले खुली थी, लेकिन ये एक बंदीगृह के रूप में कंस मामा ने बनवा दी गई थी। आज की तारीख में इसका पुनर्निर्माण होने के बाद ये जगह कुछ इस तरह में तब्दील हो गई है, लेकिन ये उस समय में ये बंदीगृह हुआ करता था। कचहरी के बिल्कुल सामने इधर कचहरी है और बिल्कुल उसके सामने ये जो जगह है, ये जगह है कंस मामा का कारागृह, यानी कि यहाँ पे कारागृह होता था, जहाँ पर जो उस समय में दंड के लिए जो प्रावधान था, जो जिनको जो मुजरिम होते थे वो यहाँ पर खड़े किए जाते थे और फिर उनको बाद में उनके नंबर आने के साथ साथ उनको कचहरी में कचहरी के अंदर सुपुर्द कर दिया जाता था, फिर उनका फैसला होता था कि इसको क्या सजा मिलनी है। तो यहाँ पर कंस के किले की आप दीवारें देख पा रहे हैं, काफी ऊंचे दीवार दिख रही है आपको। ये कंस के किले की पुरानी दीवार है और ये पीछे आपको कंस्ट्रक्शन जो टूटा हुआ दिख रहा है, ये सारा कंस के किले का है। वहां पर आपको कुछ ककैया छोटी ईंट भी दिख रही होंगी ऊपर की ओर। और ये देखिए पूरे कंस की दीवार है, कंस के किले की दीवार है और ये काफी ऊंचा है, आपको ये देखने को मिलेगा। ये काफी पुराने टाइम से यहाँ पर है, ये सुनने में आया कि ये पहले नीचे मिट्टी में ढक गया था और मिट्टी में ढकने के बाद इस किले को दोबारा से खुदाई के दौरान निकाला गया है। ये पूरा किला मिट्टी में तब्दील हो गया था, ये पता नहीं है कि मिट्टी में तब्दील क्यों हो गया था, यहाँ पे जमुना जी ज़्यादा आ गई थी या उनका पानी का स्रोत ज़्यादा हो गया था, ये तो हम कह नहीं सकते। लेकिन ये सुनने में आया कि यहाँ पर ये जो किला है, इस किले की जो बनावट थी वो सारी की सारी जमीन के अंदर दब गई थी, तो उसके बाद ये किला दोबारा से पुनर्निर्माण किया गया है और ये निकाला गया है इस किले को। तो दूर दूर तक आप देखेंगे किला, तो यह है कंस का किला। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कंस किला मथुरा की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ एक बार कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा कि आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, आप किस शहर किस गांव या किस देश से आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के बारे में एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।